देखिए, अगर आपके पास लावा का फोन है और आप उसमें कॉल सेटिंग्स करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे पास यहाँ पर लावा का ही फ़ोन है, बट इसका मॉडल नंबर है लावा हीरो। तो ये लावा का ही एक मॉडल है, तो हर लावा के फ़ोन में ये कॉल सेटिंग अप्लाई होगी। तो अगर आपके पास कोई और भी लावा का फ़ोन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, सेम मेथड उसमें भी अप्लाई होगा। तो आपको यहाँ पर कॉल सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले देखिए जाना है मेन्यू में, ठीक है। ये मेन्यू का बटन है, आप यहाँ पर जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, और अब आप जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पांचवें नंबर पर दिखता है कॉल सेटिंग्स। इस पर आप जब जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखता है सिम वन कॉल सेटिंग, या अगर आपके दो सिम होंगे तो दो सिम की सेटिंग दिखेगी। तो हम पहले सिम की सिम वन में कॉल सेटिंग में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कॉल वेटिंग, कॉल डाइवर्ट और कॉल बैरिंग। तो कॉल वेटिंग का मतलब होता है अगर आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो इसका मतलब जब आपको कोई कॉल करेगा और अगर आप किसी और से कॉलिंग में बात कर रहे हैं तो सामने वाले को बताएगा कि वो दूसरी कॉल पर व्यस्त है, तो ये आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये इजी होता है सामने वाले को जानने के लिए अगर आपको लगाना है तो। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉल डाइवर्ट आता है, तो अगर आपको अपनी कॉल डाइवर्ट करनी है किसी और नंबर पर, आप नहीं चाहते कि वो कॉल्स आपके नंबर पर आए, तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं वो नंबर डालकर, तो आपको जो भी आपको कॉल करेगा वो कॉल दूसरे नंबर पर जाएंगी। अब उसके बाद आता है यहाँ पर कॉल बैरिंग। तो कॉल बैरिंग क्या है, अगर आपको सारी कोई भी आपको कॉल करता है आपको चाहिए ही नहीं, एक भी कॉल आपको नहीं आएगी, अगर आप आउटगोइंग कॉल पे करते हैं, अगर आप आउटगोइंग कॉल पे करते हैं तो आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे, अगर इनकमिंग कॉल्स को ओके करते हैं तो आपको कोई कॉल नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको इसमें कॉल नहीं करना है, किसी को नहीं कॉल आनी चाहिए, तो यहाँ से आप कॉल बैरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैक लिस्ट नंबर दिखता है, यानी कि आपने किसको किसको ब्लॉक किया है वो सब दिखता है। फिर यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर फ़ोन की ऑटोमेटिक यहाँ से ऑन करके। रीडायल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर कॉल टाइम रिमाइंडर भी है, कॉल लिमिट का ऑप्शन है यहाँ पर, और रिजेक्ट बाय SMS है। आंसर मोड में देखिए, आप अगर आंसर मोड ऑन करते हैं तो आप इस बटन से आंसर करते हैं जब कोई फ़ोन आता है तो, बट अगर आप एनी की पे ऐसा सेलेक्ट कर देंगे तो आप कोई भी बटन दबाएंगे तो फ़ोन आपका उड़ जाएगा, समझ गए आप। अब उसके बाद यहाँ पर टॉर्च ब्लिंक, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो जब भी कॉल आएगा तो ये लाइट जलेगी, ठीक है, ये लाइट टॉर्च ब्लिंक होगी जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, तो आप इसे ऑन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से होती है कॉल सेटिंग्स। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।